बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। आल फॉर यू कुकिंग एंड ब्लॉग के किचन में खुश आमदीद। आज बन रही है मसाला राइस, चिकन मसाला राइस बना रही हूँ, जो कि किसी बिरयानी से कम नहीं है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। जब आपके बच्चे आपको तंग करें कि हमें बिरयानी चाहिए, तो आप इस तरह करके उन्हें डाल दें, लेकिन उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये बिरयानी थी या मसाला राइस थे। बहुत आसान सी तरकीब है, बहुत ज़बरदस्त और बिरयानी के टाइप की तरकीब है। ज़रूर देखिएगा वीडियो को एंड तक, लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा। नए आने वाले प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा करें, लाइक लाजमी किया करें। और यहाँ पर मैंने एक अदद बड़े साइज़ की प्याज है, वो मैंने लेकर उसको तकरीबन आधा कप घी है इसमें मैं फ्राई कर रही हूँ। इन्ग्रीडियंट्स मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी, आपने ध्यान से देखने हैं। बहुत ही आसान सी झटपट सी रेसिपी है, बहुत ही आपको पसंद आएगी। तो जी, प्याज हमारी होती है लाइट ब्राउन। अब हम इसमें एक खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देते हैं। इसको एक से डेढ़ मिनट करेंगे फ्राई। चिकन जो है वो मैंने धो के रखा हुआ है। यहाँ पर चिकन है मेरे पास, तकरीबन 3 पाव चिकन है, मैंने धोकर इसको रखा हुआ है। हमारा लहसुन अदरक वाला पेस्ट थोड़ा सा कच्चा पन इसका ख़त्म हो, तो मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। तो मीडियम फ्लेम है, चिकन हम शामिल कर देते हैं। और 3 से 4 मिनट इसको भी हम फ्राई करेंगे, ताकि चिकन का कलर जो है वो बदल जाए। चिकन हमारा 4 से 5 मिनट मैंने फ्राई कर लिया है इसको। और अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। 3 अदर टमाटर हैं मेरे पास कटे हुए, और मैंने इसको काट लिया था, तो टमाटर शामिल कर देते हैं। साथ में दही मैंने डाल दी है इसमें, तकरीबन 3 बड़े खाने के चम्मच जो है मैंने दही को फेंट कर इसमें डाल दिया है। और मसाले अब जो मैं इसमें शामिल करूँगी, उसमें है ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, नमक अपने ज़रूरत के मुताबिक आप ले लें, मैंने आधी चाय का चम्मच लिया है, गरम मसाला पाउडर है 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर है 1 चाय का चम्मच भर के मैंने ले लिया है, और ये कोई भी आप बिरयानी मसाला ले लें 1 खाने का चम्मच है। और कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास 1 चाय का चम्मच, और लाल मिर्च का पाउडर है आधी चाय का चम्मच। ये तमाम मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको 4 से 5 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट मसाला फ्राई कर लिया है, घी अलग हो गया, देखिए इसका पानी खुश्क हो गया। मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसको साइड पे करते हैं। अच्छा जी, अगले स्टेप के लिए यहाँ पर मैंने पानी बॉईल होने के लिए रखा है, चावल बॉईल करेंगे। चावल को मैंने धोकर साफ़ करके धो के और भिगो दिया है। यहाँ पर हम 4 चम्मच नमक शामिल करेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लें। और 2 चम्मच मैंने खाने का 2 चम्मच जो है वो घी शामिल किया है, इससे जो है बड़े अच्छे बॉयल होते हैं। और यहाँ पर मैं ज़ीरा डाल रही हूँ थोड़ा सा, आधा 1/4 चम्मच के करीब, और थोड़ा सा सिरका भी मैं शामिल करूँगी इसमें, 1 से 2 टेबल स्पून। इससे चावल बहुत खिले खिले से बॉयल होते हैं, तो इसको बॉयल आने देते हैं। जी, बॉयल आ गया है बहुत अच्छा पानी को। और अब हमने जो चावल भिगो के रखे हुए थे, हम इसको 3 कनी उबाल लेंगे, 1 कनी रहने देंगे। तमाम चावल हम इसमें शामिल कर रहे हैं, तमाम चावल में डाल दूँगी। चावल जो है वो 3 कनी जो है वो बॉयल हो चुके हैं, ये देखें। अब मैं इनका तमाम पानी जो है वो निकाल दूंगी। चावलों को बॉयल करने के बाद जो है मैंने इसका पानी निचोड़ लिया है। अब मैं इस पर वो सालन जो है वो मैं डाल रही हूँ, और इसका जो ऑयल है ये जो है ना, इसको कलर डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इसी से आपका जो है ना कलर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये मैंने तमाम मसाला जो मैंने चिकन का बनाया था वो मैंने यहाँ डाल दिया, और इसके ऊपर डबल तेल लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर मैं 1 चाय का चम्मच चाट मसाला जो है ना वो डाल रही हूँ, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पर डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना वैसे अच्छा लगेगा बहुत। और आधी 1/4 चम्मच पिसा हुआ गर्म मसाला, इसमें जायफल जैवत्री भी मौजूद है, छोटी इलायचियाँ मौजूद हैं, और यहाँ पर है मेरे पास लीमू का रस, यहाँ पर मैं लीमू का रस डाल रही हूँ, 2 लीमुओं का रस था मेरे पास, और स्लाइसेस हैं कुछ मेरे पास लेमन के, ठीक है, ये मैं डाल रही हूँ। यहाँ पर हरी मिर्ची हैं कटी हुई, यहाँ पर ये मैंने डाल दी, और धनिया है, पुदीना है मेरे पास, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। और यहाँ पर हम दम लगाएंगे इसको 20 मिनट का, तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ।
जी तो तैयार है हमारी चिकन मसाला राइस। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।